like a large part of the film has a lot of conversation between the two of them, jo usually itna dikhta nahi hai movies mein, if you understand, like one on one conversation between two characters. Mere paas bhi koi problems ho, kuch bhi ho, different movie thi, 5 out of 5. शाहरुख खान ने बहुत ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट किया इस फिल्म में. बहुत छोटा रोल था बट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया उन्होंने. इमेज बिकॉज इट्स ऑलवेज अ स्टोरी अबाउट द करंट जनरेशन. वो सेम प्यार व्यार लव स्टोरी, इट्स नॉट लाइक दैट. छोटा सा रोल किया उसने. या कैसी लगी ऐसी एक्टिंग शाहरुख की? आई ऑलवेज लाइक हिम, ही इज ऑलवेज अमेजिंग. आलिया भट्ट का कैसा लगा? इवन शी वाज लाइक क्वाइट नाइस. आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ हर बट या शी वाज वेरी गुड. तो वो डॉक्टर का किरदार निभाते हैं तो क्या अलग लगा? कहानी कुछ अलग लगी आपको फिल्म में? कितने स्टार देंगे? आई थिंक 3.5. थैंक यू सो मच. अरे लेट हो रहा है एक्चुअली. थैंक यू. बहुत अच्छी थी. शाहरुख खान वाज गुड. आलिया भट्ट फैंटास्टिक. स्टोरी वाज गुड. 5 ऑब्वियसली. इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट. आउट ऑफ 5? या 4. म्यूजिक साइड? रियली नाइस. या ही वाज फैबुलस. बहुत अच्छा था. शाहरुख बेटर. 5 5 फुल 5. इट वाज आलिया भट्ट. द एक्टिंग इज सुपर्ब. रियली सुपर्ब. रियली लाइक इट. स्टोरी इज लाइक अबाउट द लाइफ. लाइफ हाउ वी नीड टू. आउट ऑफ 5 कैन गिव 4. रियली 4. यस गुड. कैसे लगे आपको डियर जिंदगी? मुझे बहुत अच्छी लगी. और गौरी शिंदे का डायरेक्शन तो मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लगता है. शाहरुख की एक्टिंग कैसी थी? हाँ, अच्छी थी. और आलिया की एक्टिंग तो मुझे वैसे ही अच्छी लगती है. बहुत अच्छी एक्ट्रेस है. शाहरुख की अब तक की अच्छी एक्टिंग मानी जाएगी आपकी? मैं शाहरुख के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ. हाँ, बहुत अच्छी एक्टिंग. कितने स्टार देंगे आउट ऑफ 5? आउट ऑफ 5 4. इज डायरेक्शन एंड स्क्रीन प्ले इज वेरी गुड. और जैकी सबसे अच्छी थी. जैकी इज द सेकेंड कास्ट. आलिया भट्ट की एक्टिंग? आलिया भट्ट की एक्टिंग अच्छी थी पर उसके साथ जो दूसरी थी उसकी एक्टिंग ज़्यादा अच्छी थी. शाहरुख खान की एक्टिंग? शाहरुख खान है शाहरुख खान यार, उसको एक्टिंग की जरूरत नहीं है. वो तो दादा है. कितने स्टार देंगे? इट्स 4 स्टार. द फिल्म वाज रियली गुड. व्हाट इज द यूएसपी ऑफ द फिल्म? द यूएसपी इज लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ डायलॉग इन द फिल्म जो यूजुअली मूवीज में नहीं होता. Like a large part of the film has a lot of conversation between the two of them, which usually itna dikhta nahi hai movies mein, if you understand, like one on one conversation between two characters. What about direction of Gauri Shinde? It is really good. It's great. Shahrukh was very good. Alia Bhatt ki acting kaisi thi? She was also fantastic. Out of 5? 3.5. फिल्म तो बहुत अच्छी थी. मैसेज बहुत अच्छा है मूवी का. सबको देखनी चाहिए. इसके पास भी कोई प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, डिफरेंट मूवी थी. 5 out of 5. अमेजिंग. दोनों की बहुत अच्छी एक्टिंग. 5 out of 5. बहुत अच्छी लगी मूवी. आई लव शाहरुख खान सो द मूवी वॉज फैंटास्टिक. स्टोरी कितनी रिलेट की आपको? डियर जिंदगी इज द मूवी विच एवरी वन शुड रिलेट टू इट बिकॉज वो जिंदगी में किसी ना किसी को तो भी प्रॉब्लम्स होती है. सो उसी तरीके से वो मूवी बनाई है जो जनरलाइज है और उसी से कुछ ना कुछ तुम्हें मिलता है जिससे तुम यू अंडरस्टैंड कि अरे हाँ ये मेरे जिंदगी में भी हुआ है तो आई शुड अंडरस्टैंड एंड आई शुडेंट रिएक्ट टू इट इन सच अ वे एंड आई शुडेंट मेक माई लाइफ रूइंड बाय द पास्ट. ये था सब. 5 5. आई लव शाहरुख सो 5. It was beautiful. The concept of that the girl comes out from the stress and he goes to for psychological doctor. So it was a good film. Alia Bhatt ki acting good. Shahrukh Khan. Shahrukh Khan after a long time he was doing a good film, I guess. Okay. Like after many years he did a good film for me. How many stars? 4. मेरे को बहुत अच्छी लगी फिल्म. फिल्म बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छी तरह लिखी गई है फिल्म. गौरी शिंदे का डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है. एंड आलिया भट्ट शाहरुख खान दे हैव डन इनक्रेडिबल जॉब. शाहरुख खान ने बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट किया इस फिल्म में. बहुत छोटा रोल था बट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया उन्होंने. रिलेट तो होना ऑब्वियसली होता है जैसे रियल लाइफ में काम का स्ट्रेस एंड हाउ योर पर्सनल लाइफ इज हाउ यू डील विद थिंग्स. देयर इज लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एंड इट्स अ वे हाउ यू लूजन थिंग्स अप. एंड आप मूवी में देख सकते हैं बहुत लोग होंगे जो अपने आप को रिलेट कर पाएंगे इस फिल्म से. And especially people of our age who are struggling in their new field of work and just trying to grow and stuff like that. Yeah. आलिया भट्ट का किरदार कैसा लगा आपको? आलिया भट्ट का किरदार बहुत अच्छा था. She portrayed the character of you know like being herself and थोड़ा disturbed थी, stress थी. उसको पता नहीं था कि कैसे वो करते हैं. You know वो गए बिल्कुल उस पे कि कैसे डेवलप करना चाहिए, बाहर आना चाहिए. तो 5 इज वंडरफुल फिल्म. विल यू रेकमेंड योर फ्रेंड्स? डेफिनेटली.
ओके बहुत ही अच्छी थी मूवी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी मूवी. शाहरुख खान ने बहुत ही अच्छा एक्टिंग किया. आलिया भट्ट ने डेफिनेटली कमेंडेबल परफॉर्मेंस. एक्चुअली एज वी आर ऑल फ्रॉम द करंट जनरेशन वी कैन रिलेट प्रिटी मच बिकॉज इट्स ऑलवेज अ स्टोरी अबाउट द करंट जनरेशन. वो सेम प्यार व्यार लव स्टोरी, इट्स नॉट लाइक दैट. सो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आएगा कि ये तुम्हारे जिंदगी में भी हो चुका है. बहुत अच्छे अच्छे ऐसे इंसिडेंट्स दिखाए विच यू कैन वेरी वेल रिलेट टू. शाहरुख खान इज द बेस्ट. मैं बहुत बड़ी फैन हूँ तो शाहरुख खान तो बहुत अच्छा है और प्रोफेशनल भी बहुत है. बट आलिया भट्ट द वे शी हैज एक्टेड और उसने अपना प्रोफेशनलिज्म जिस अदा से दिखाई है उसे पता चलता है कि यू नो इस रोल के लिए आलिया भट्ट की जगह पे कोई और सूट भी नहीं करता. शाहरुख खान के लिए हाँ डेफिनेटली, आलिया भट्ट के लिए भी हाँ. इस बार तो हाँ बोलना ही है बिकॉज आई वुड डेफिनेटली गिव अ 5 स्टार.